ये शायद फरमाए कि कबूतर चिड़िया की बीट कपड़े पर लग जाए क्या कपड़ा नापाक हो जाएगा नहीं कौवा चील इनकी बीट कपड़े पर लग जाए तो क्या कपड़ा नापाक हो जाए? कव्वे और चील की बीट नापाक है रास्ते का कीचड़ अगर कपड़ों पर लग जाए तो क्या कपड़ा नापाक हो जाएगा पता नहीं है कि यह नापाक है रास्ते का कीचड़ कोई सी अलामत नहीं है कि यह नापाक है तो सिर्फ वहम से यह नापाक नहीं कह सकते कीचड़ को सड़क पर बारिश के खड़े पानी के छींटे कपड़ों पर पड़े तो क्या कपड़े नापाक हो जाएंगे कीचड़ के पड़ जाते हैं पीछे छींटे तो इससे भी वही यकीनी सूरत होनी चाहिए कि जिस कीचड़ के छींटे मुझ पर उड़े हैं ये था नापाक कन्फर्म होना चाहिए अगर काला रंग है इसलिए नापाक है तो कोयला भी काला होता है बाद बंदे भी काले होते हैं तो काला होना नापाकी की दलील नहीं है सोते हुए आदमी के मुंह से निकलने वाला पानी क्या पाक है कि पानी नहीं होता ये एक तरह का थूक ही होता है समझ ले राल जो निकलती है ये पाक होती है चाहे बदबूदार हो दूध पीते बच्चों के पेशाब और उल्टी क्या नापाक है जी हाँ एक दिन का बच्चा भी पेशाब कर दे तो उसका पेशाब नापाक होता है और उल्टी जो अंदर से मुंह भर जिसको बोलते हैं ना जो रोके ना जा सके बिला तक नगर करके रोके तो वो ये रोकना नहीं, कर, ये नहीं। ये भी मुंह भर के मुंह भर जो निकली ये नापाक मैदे तक गया और अब बच्चे ने बाहर डाल दिया तो एकदम ये इसकी निकल आती है बहनी शुरू हो जाती है ये नापाक होती है दुखती आंख से जो पानी निकलता है क्या वो नापाक होता है नापाक होता है वजू भी टूट जाता है इससे ड्राई क्लीन से कपड़े कंबल कोट वगैरह या जो हम धुलने देते हैं जब वो आते हैं तो वो पाक होते हैं कि नापाक पाक खाना की चीज़ें पुरानी हो जाएं तो उनसे बदबू आ जाती है तो क्या यह बदबू आने के बाद यह खाना नापाक हो जाता है पाक होता है खाना पाक है लेकिन जो खाना सड़ गया है तो पाक है। लेकिन इसका खाना हराम है जिस पर गुसल फर्ज हो क्या उसका पसीना भी नापाक है नहीं पसीना पाक है